देखिए, लखीमपुर कांड में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब राजनीति उस पर बहुत तेज हो गई है। चार्जशीट में आशीष मिश्रा का भी नाम है, जिसके बाद अब मंत्री पिता अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है। सवाल यह है कि अब टेनी इस्तीफा देंगे या उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। बेटे के लिए मीडिया से भिड़ गए, बेटे के लिए गालियां दी, बेटे के लिए एबीपी न्यूज को धमकाया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। चार्जशीट में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा का भी नाम है और अब मिश्रा पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। किसान नेता राकेश टिकैत के ट्वीट ने इशारा कर दिया है कि अब किसान संगठन टेनी के इस्तीफे की मांग पर जोर देने वाले हैं। लखीमपुर हत्याकांड में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि सब सुनियोजित था। गृह राज्य मंत्री का बेटा केस का मुख्य आरोपी है। चार्जशीट के बाद टेनी को मंत्रिमंडल में बनाए रखने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सरकार अजय टेनी को तुरंत बर्खास्त करे। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब तक बीजेपी ने टेनी से इस्तीफा नहीं लिया है और यही वजह है कि विपक्षी दल बीजेपी पर वार कर रहे हैं। कानून का राज है, उनके पिताजी अगर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते तो FIR नहीं होती अथवा चार्जशीट नहीं लगती, गिरफ्तारी नहीं होती। तो अपने उनके पिताजी ने किस पद का दुरुपयोग किया है? कानून का राज है योगी जी की सरकार में। तो ये कोर्ट के निगरानी में इंक्वायरी हुई है, अगर ये नहीं होती तो बेईमानी होती इसमें। लेकिन जो इन्होंने केसेस लगाए ना, उनका ये पहले से मंसूबा था, इनका ये प्लानिंग थी। तो प्लानिंग का मतलब है कि इन्होंने जानबूझकर के मारा है। तो उनके उनके पिताजी को जो अक्यूज है टेनी मिश्रा को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और उनको भी अक्यूज बनाना चाहिए इसके अंदर। हम आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर में मंत्री के बेटे की गाड़ी ने किसानों को कुचला और कल मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ सबूतों की पेटी कोर्ट में पेश की, जिसमें 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। इस चार्जशीट में माना गया कि आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद था, यानी चार्जशीट में किसानों के आरोपों को सही माना गया और आशीष मिश्रा की गाड़ी ने ही किसानों को कुचला था। ये हादसा नहीं सोची समझी साजिश माना गया। 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की गाड़ी ने कुछ किसानों को रौंद दिया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद आक्रोशित किसानों ने कई गाड़ियां फूंक दी। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी के ड्राइवर सहित 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया था। उस वक्त टेनी ने ऐलान किया था कि चार्जशीट में बेटे का नाम होता तो वो इस्तीफा दे देते। हमारी किसी जांच से कहीं भी कोई समस्या नहीं है, प्रत्येक जांच एजेंसी का सामना करने के लिए तैयार है। अब चार्जशीट में आशीष झा का नाम आ गया है और ऐसे में सवाल तो बनता है कि इस्तीफा कब देंगे टेनी। ABP News आपको रखे आगे।